हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इको मैथ्स। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सर्कल्स के बारे में। सर्कल्स क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, सर्कल्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, सर्कल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सर्कल का सेंटर। तो यहाँ हम सर्कल के सेंटर के बारे में बात करेंगे। सर्कल का सेंटर होता है सर्कल के बिल्कुल बीचों बीच में। इस तरह से मैंने रेड कलर से दिखा दिया है कि ये होता है सर्कल का सेंटर। सर्कल के सेंटर की हेल्प से हम सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, पर इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रेडियस का होना। ये डिपेंड करता है रेडियस के ऊपर कि सर्कल छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। यहाँ पे हम मैंने ब्लू कलर से दिखाया है सर्कल का रेडियस। रेडियस है आपका ब्लू कलर से, ये जो सर्कल के सेंटर से सर्कल की बाहरी परत तक जाता है, ये आपका होता है सर्कल का रेडियस। अगर रेडियस आप कम लेते हैं तो छोटा सर्कल बनता है, और अगर आप रेडियस ज़्यादा लेते हैं तो सर्कल आपका उतना ही बड़ा बनता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सर्कल की डायमीटर के बारे में। सर्कल की डायमीटर को हमने यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखाया है, आप फिगर में देख सकते हैं। सर्कल के सेंटर से सर्कल की बाहरी लेयर तक जाने वाली जो वैल्यू है, जिसे हम बोलते हैं रेडियस, इसी रेडियस को अगर हम एक कोने से हटा के दूसरे कोने तक भी इसी तरह से लेके जाएं, जिस तरह से अभी मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है, तो ये बन जाता है इसका डायमीटर। डायमीटर सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी इसे बोलते हैं, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे आगे। तो आप इस तरह से किसी सर्कल के अंदर डायमीटर को बना सकते हो। इसी सर्कल को की डायमीटर को हम लिखते हैं डी बराबर 2R से। क्यों? क्योंकि रेडियस सर्कल के सेंटर से एक तरफ से जाती है और दूसरी तरफ भी जा रही है। ये सर्कल के सेंटर बीच में हमारी ये दो रेडियस मिलती हैं, एक ये रेडियस और एक की रेडियस, इसलिए डायमीटर जो होती है वो हमेशा 2R के बराबर हम मानते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कॉर्ड। तो कॉर्ड के लिए हम कॉर्ड के बारे में बात करेंगे। कॉर्ड क्या होता है? तो कॉर्ड क्या होता है, सर्कल के सेंटर की तरह जो लाइन जाती है वो तो डायमीटर है, लेकिन सर्कल के सेंटर से ना होके जाने वाली लाइन, लेकिन सर्कल के दोनों साइड से होके जाने वाली लाइन। फॉर एग्जांपल, हमने ये लाइट ब्लू से दिखाया, ये सर्कल की कॉर्ड। ये कॉर्ड कितनी भी हो सकती है, हम एक से ज़्यादा कॉर्ड भी बना के यहाँ दिखा सकते हैं। ये जो ब्लू कलर से मैं दिखा, ये सारे सर्कल की कॉर्ड से, क्योंकि सर्कल के एक पॉइंट से सर्कल के दूसरे पॉइंट्स को मिलाने वाली ये लाइन होती है, ये होती है सर्कल की कॉर्ड। हमने सीखा था स्टार्टिंग में कि सर्कल का सेंटर होता है सर्कल के बिल्कुल बीचों बीच, और सर्कल के सेंटर से ना होकर जाने वाली लाइन वो होती है हमारी कॉर्ड। अगर सर्कल के सेंटर से होके जाएगी तो उसी लाइन को हम कॉर्ड भी बोल सकते हैं और डायमीटर भी बोल सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, ये लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, इसी को हम बोलते हैं डायमीटर। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कमफेरेंस होता है सर्कल की बाउंड्री के बारे में। ये जो रेड कलर से मैं दिखा रही है सर्कल की बाउंड्री है। तो सर्कल की किसी एक पॉइंट से, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई पॉइंट ले लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि सर्कल जो होता है वो पॉइंट्स से मिलकर बना होता है। सो सर्कल के किसी एक पॉइंट से सर्कल के उसी पॉइंट तक आने में जो डिस्टेंस या जो लेंथ कवर की जाती है, उसको कहते हैं हम सर्कल की ये पॉइंट। इसी पॉइंट पे हम वापस आ गए, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट तक, तो ये पूरी जो लेंथ होती है इसे हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस को हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, और इसका एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, जिसे हम लिख सकते हैं 2πr।
जिसमें पाई यहाँ पे वैल्यू होती है, इसको आप 3.14 भी एज्यूम कर सकते हैं और इसे हम 22/7 भी लिख सकते हैं। रेडियस हमारी डिपेंड करती है सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट तक जाने वाली वैल्यू। ये वैल्यू अगर छोटी है तो सर्कल छोटा होगा, सर्कमफेरेंस कम होगी। अगर ये वैल्यू ज़्यादा है, सर्कल की रेडियस बड़ी है, तो हमारी जो सर्कमफेरेंस होगी उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो आई होप आप समझ चुके हैं कि डायमीटर क्या होता है। डायमीटर डबल ऑफ रेडियस होता है और सर्कमफेरेंस 2πr के बराबर होता है। सर्कल का सेंटर बीच में होता है, सर्कल की रेडियस सर्कल के सेंटर से सर्कल के पॉइंट तक जाने वाली वैल्यू होती है। इसको अगर हम डबल कर देते हैं, यहाँ से और बढ़ा देते हैं, तो यही वैल्यू आपकी डायमीटर बन जाती है। अगर सर्कल के पॉइंट सेंटर से न होकर जाने वाली लाइन किसी और पॉइंट से होकर जाती है लेकिन सर्कल के दोनों ही पॉइंट्स को ज्वाइंट करती है इस तरह से, वो हमारी कॉर्ड बन जाती है। नेक्स्ट सर्कमफेरेंस सर्कल के किसी एक पॉइंट तक से स्टार्ट होकर सर्कल के उसी पॉइंट तक वापस आने में जो लेंथ कवर होती है, दैट इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे आर्क के बारे में। आर्क क्या होता है? आर्क को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे सर्कल के सेंटर से। आर्क दो तरह की होती है, एक तो होती है माइनर आर्क और एक होती है मेजर आर्क। आर्क के पहले हमें समझने के लिए हमें सेक्टर बनाना आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अभी दो लाइन से ड्रॉ कर रही हूँ, एक ये रेडियस है और एक दूसरी रेडियस है। ये दोनों ही साइड को हम रेडियस बोलेंगे क्योंकि ये सर्कल का सेंटर ओ मान लेते हैं हम। ये सर्कल का सेंटर है और ये सर्कल के पॉइंट तक जाने वाली रेडियस है। इन दोनों रेडियस के बीच में जो स्पेस है, बीच में जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं आर्क। ये वाली लाइन इसे और कलर से दिखा देती हूँ, इसे हम बोलते हैं आर्क, इसे बोलते हैं हम आर्क। और अभी ये सर्कल के छोटे से एरिया को कवर कर रहा है, इस पोर्शन को ये कवर कर रहा है। ये दो रेडियस और ये आर्क मिलकर बना देती हैं एक सेक्टर, इसे हम बोलते हैं सेक्टर। ये छोटी सी आर्क और ये दो रेडियस, इतना पोर्शन सर्कल का माना जाता है एक सेक्टर। और सेक्टर भी इसे क्या बोलेंगे, इसमें भी दो तरह के सेक्टर्स होते हैं, एक माइनर सेक्टर और एक मेजर सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल ये सर्कल का सेंटर है, यहाँ पे ये एक सर्कल के किसी पॉइंट को कट करने वाला पॉइंट ए है और ये कोई दूसरा पॉइंट है बी, और हम बीचों बीच एक और पॉइंट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया है सी मान लेते हैं, तो ये ए ओ बी सी ये मानी जाएगी आपकी माइनर आर्क। क्यों? क्योंकि सर्कल में इतना ही एरिया जो होता है, इसमें हम हमारी दो रेडियस आती हैं और एक आर्क आती है, तो ये पोर्शन मिलकर बना देता है एक सेक्टर। आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि सेक्टर किसे बोलते हैं और आर्क किसे कहते हैं। आर्क केवल सेक्टर का एक हिस्सा होता है। ये मैं ग्रीन कलर से दिखा रही हूँ, ये जो सर्कल की बाउंड्री होती है इसको हम बोलते हैं आर्क। जब ये छोटी होती है तो इसे बोलते हैं माइनर आर्क, और जब ये बड़ी होती है इस तरह से ऊपर के हिस्से में इस पर्टिकुलर सेक्टर को हटा के, तो यही आर्क बन जाती है आपकी मेजर आर्क। ठीक है, मेजर आर्क के बाद हम बात करेंगे अब माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर के बारे में। सर्कल का सेंटर ओ है, सर्कल तक जाने वाली रेडियस है यहाँ पे आर। तो फ्रेंड्स ये जो ऊपर आर्क को मिला के जितना एरिया कवर हुआ है
ये एरिया माना जाता है माइनर सेगमेंट, और उसको छोड़ के, इस पोर्शन को छोड़ के ये जो एरिया आपके पास मिला है, जैसे मैं ग्रीन कलर से दिखा रही हूँ, ये पूरा माना जाएगा यहाँ पे मेजर एरिया। तो इस मेजर एरिया को ही हम क्या कह देते हैं, मेजर सेक्टर। ऊपर का माइनर, नीचे का मेजर, ठीक है। ये हो जाता है आपका माइनर सेक्टर। इस माइनर सेक्टर को हटा के जितना पोर्शन बचता है वो आपका होता है मेजर सेक्टर। नाउ द लास्ट कॉन्सेप्ट इज सेगमेंट। फ्रेंड्स, सेगमेंट के बारे में जानने के लिए आपको सर्कल का कोई पोर्शन लेना होगा, सर्कल की कोई आर्क लेनी होगी। उस आर्क पर जहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ पे ख़त्म होती है, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, जिसे हम बोलते हैं कॉर्ड। तो जब ये आर्क और ये कॉर्ड मिलकर जो एरिया कवर करती हैं, उस एरिया को हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ये ऊपर वाला पोर्शन हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे क्योंकि ये छोटा पोर्शन है। सर्कल का बचा हुआ हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये सेम कॉर्ड, ये मिलके जितने एरिया को कवर करेंगे उसे हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। बेसिकली सेगमेंट तब बनता है जब हम किसी कॉर्ड को लेते हैं और हम सर्कल की आर्क को लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा मेजर और ये हो जाएगा ऊपर का माइनर सेगमेंट। आई थिंक आप लोगों को सभी पार्ट सर्कल के बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको ये वीडियो आराम आराम से धीरे धीरे करके देखना है ताकि एक एक टर्मिनोलॉजी आपको बहुत आसानी से समझ में आए। उसके लिए आपको इस सर्कल में जिस तरह से मैंने डायग्राम में दिखाया है, उस एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझना होगा। फ्रेंड्स, इस तरह हमने सर्कल के एक एक पोर्शन को इजीली और अच्छे तरह से आसानी से एक एक पोर्शन को डिस्कस कर लिया है। अब मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप इस तरह से किसी एक सर्कल को बनाएं, कोई भी रेडियस लेके देखें और इन सभी स्ट्रक्चर्स को जिसे इस मैंने वीडियो में दिखाया उस तरह से आप बना के प्रैक्टिस करें ताकि आप सारे पार्ट्स को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएं। क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है जो क्लास 6 से स्टार्ट होकर क्लास 10th तक और आगे आप जितना भी मैथ्स में पढ़ते हो, ज्योमेट्री, आपको ये चीज़ सर्कल के पोर्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो इसलिए आप इस वीडियो को बार बार देखो, इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से प्लॉट करना सीखो ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उनको प्रैक्टिस करें और इस तरह से सर्कल बना के देखें तो आपको हर क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।